अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लॉग कमेंटिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉग कमेंटिंग, मतलब ब्लॉग कमेंटिंग के फ़ायदे क्या हैं। ब्लॉग कमेंटिंग एक बेहतरीन ज़रिया है ट्रैफिक लेने का और अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बनाने का। उसके अलावा ये आपकी लिंक प्रोफाइल को बूस्ट दे सकता है और कलेब्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकता है। उसके अलावा कॉस्ट इफ़ेक्टिव लिंक बिल्डिंग मेथड, मतलब इसके ऊपर इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता, और एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है न्यू बाई SEOs के लिए। और उसके बाद परफेक्ट फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ इसका किया जाता है वो जो ब्लॉगर्स होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, आपकी अगर कोई ब्रांड है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं इसके ज़रिए। उसके बाद गाइडलाइंस, कमेंट बैकलिंक सबसे ज़्यादा स्पाम किए जाते हैं और कुछ लोग तो हज़ारों लाखों कमेंट बैकलिंक्स पर डे क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि इन्होंने उन्हें फ़र्स्ट पोजीशन देनी है। अब गूगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और अब वो स्पाम का ज़माना चला गया, अब आप लाखों कमेंट करके फर्स्ट रैंकिंग नहीं ले सकते। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहले कमेंट फर्स्ट, मतलब कोशिश करनी है कि जो भी न्यू पोस्ट हो उस पर सबसे पहला कमेंट आपका हो। इससे आपकी रिलेशन बिल्डिंग होगी, मतलब जो पोस्ट करने वाला है उसको नज़र आएगा कि कौन सा उसका इंगेजिंग व्यूअर है, विजिटर है, मतलब जो उसकी हर पोस्ट के ऊपर नज़र रखता है। उसके बाद यूज़ योर फुल नेम, कुछ लोग फर्स्ट नेम यूज़ करते हैं तो आपने अपना पूरा नेम यूज़ करना है। जैसे मेरा नाम अलीम इकबाल है तो मुझे पूरा अलीम इकबाल यूज़ करना पड़ेगा, मैं खाली अलीम नहीं यूज़ कर सकता। उसके अलावा यूज़ योर करेक्ट ईमेल एड्रेस, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना ईमेल एड्रेस इनकरेक्ट लिखते हैं ताकि कहीं स्पाम ना हो जाए ये वो, तो आपने अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस लिखना है ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। उसके बाद कनेक्ट योर ईमेल टू ग्रेविटार, मतलब कि अगर ग्रेविटार के साथ ना हो तो फिर आपकी ईमेल शो नहीं होती, तो अपनी ईमेल शो करवाने के लिए हमें ग्रेविटार के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद बी सिलेक्टिव, आपने मतलब सिर्फ उन ब्लॉग्स के ऊपर पोस्ट करना है जो आपकी नीड की रेलिवेंट है। आस्क क्वेश्चन देन यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, मतलब आप कोशिश करें कि अपनी कॉमेंट जो है उसको यूनिक दिखाने के लिए आप टॉपिक के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछें। उसके बाद एड एक्स्ट्रा वैल्यू वैन यू आर, मतलब अगर आपका उस टॉपिक के रिलेटेड कोई तजर्बा है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। डोंट राइट स्पाम, मतलब एक कमेंट को हज़ार वेबसाइट्स के ऊपर कॉपी पेस्ट ना करें, हर वेबसाइट के लिए यूनिक कमेंट लिखें। ओवर ऑप्टिमाइजिंग योर कीवर्ड इन द नेम सेक्शन, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं अपना एग्जैक्ट मैच कीवर्ड नेम सेक्शन में लिख देते हैं, तो आपने ये काम नहीं करना, वहाँ पर आपने अपना ओरिजिनल नेम लिखना है। उसके बाद एक क्वालिटी कमेंट की एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कितनी लंबी है और इसमें उसने अपना सारा एक्सपीरियंस और सारा कुछ शेयर किया है जो टॉपिक के रेलिवेंट है। अच्छा, उसके बाद ये स्पाम कमेंट जो है वो कुछ इस तरह की होती हैं, इसमें ये अजीब से लिंक वगैरह ऐड करके और तबाही। उसके बाद कुछ टूल जिनकी मदद से हम कॉमेंट बैक लिंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, एक ये लिंक बिल्डिंग का टूल है, यूनिवर्सल SEO का पार्ट है ये। उसके बाद टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स की मदद से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रैप बॉक्स है, स्क्रैप बॉक्स से फाइंड कर सकते हैं लेकिन वो इतनी खास अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। उसके अलावा फीडली से हम इन टच रह सकते हैं, मतलब जब भी किसी ब्लॉग के ऊपर कोई न्यू पोस्ट आए तो ये हमें बता देगा कि न्यू पोस्ट आई है, तो इसकी मदद से फिर हम फाइंड करके कॉमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कमेंट अच्छी हो तो आपको बैकलिंक भी मिल जाता है, ये मैथ्यू की एग्जांपल है, इसको अच्छे कमेंट की वजह से एक कॉन्टेक्चुअल जो है बैकलिंक मिला है। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है वो ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं और यहाँ पे लिखें बेस्ट, आगे अपनी नीच, अब मेरी तो वीडियो गेम है और इसमें ज़्यादातर न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं, अगर आपकी नीच में न्यूज़ वेबसाइट नहीं है तो आप ब्लॉग्स लिखेंगे, बेस्ट कुकिंग ब्लॉग्स इस तरह करके। तो यहाँ से कुछ ब्लॉग्स ओपन करते हैं।
डिस्कस प्रोफाइल जो है उसे थोड़ा कॉन्फ़िगर कर लेंगे ताकि ओरिजिनल लगे। अच्छा जी, आप ठीक हो गई है काफ़ी हद तक। यहाँ एक अच्छा सा कमेंट लिखेंगे टॉपिक के रेलिवेंट। तो कमेंट हमारी हो गई है और हमारा लिंक भी शो हो रहा है। सही। उसके बाद नेक्स्ट वन, तो ये जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं इनका ये मसला होता है कि इनका प्रोफाइल सिस्टम होता है, यहाँ पे सही बंदा कमेंट नहीं कर सकता। तो ये ठीक है। जो इस तरह की कॉमेंट्स होती हैं इसमें हम अपने डोमेन का यूआरएल, यहाँ पे अपना नेम और ईमेल, आपने मेक श्योर करना है कि ग्रेविटार में आपने फोटो सेट की हो। तो ये देखिए मैंने सेट की थी तो फौरन आ गया था। अच्छा जी, पोस्ट कमेंट। तो कमेंट हमारी पोस्ट हो गई है।
तो आपने डू फॉलो के पीछे नहीं भागना, नो फॉलो बेहतर है, डू फॉलो का जमाना चला गया है। मतलब अब डू फॉलो कमेंट बनाना जो है ना, वो हज़ारों स्पामी कमेंट्स होती हैं और उनमें से एक डू फॉलो मिलती है और उसके 99.9% पेनल्टी के चांसेस होते हैं। तो डू फॉलो, अच्छी कमेंट हो, क्रेडिबिलिटी बनेगी, हमारी रिलेशन बनेगी और ट्रैफिक भी आएगी अच्छी। अच्छा जी, उसके बाद तो इनका भी वही सिस्टम है लॉगिन वाला। लॉगिन और डिस्कस, डिस्कस को भी इग्नोर करते हैं एक दफा। कोटाकू, पीसी गेम्स, रॉक पेपर शॉटगन, बिग फिश गेम्स ब्लॉग, ये कमेंट अलाउ ही नहीं करते, स्किप। लॉगिन ये जो लॉगिन वाली होती हैं, इसमें आप पोस्ट को लिंक दे सकते हैं जैसे इन्होंने लिंक दिया, लेकिन काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लॉग इन, अच्छा ये तो चलता रहेगा। अब हम चलते हैं टेम्पलेट्स की तरफ। यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड, ये भी स्पाम से भरा हुआ है वैसे।
इतना इन्होंने वैसे ही डिजेबल कर दिए स्पाम की वजह से, तो यहाँ पे पोस्ट करने का फायदा नहीं है। चलिए कुछ और आर्टिकल ओपन करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं हम यूनिवर्सल एसे टूल की तरफ। तो इसे ओपन करेंगे और यहाँ से लिंक बिल्डिंग हेल्पर, कमेंट बैक लिंक्स, डू फॉलो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे मदरबोर्ड। तो ये टूल अब इतना खास वर्क नहीं करते, पहले काफी अच्छे तरीके से वर्क करते थे, अब बहुत ज्यादा स्पामी हो गए हैं।
सही। अब चलते हैं स्क्रैप बॉक्स की तरफ। यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिखेंगे। कीवर्ड स्क्रैपर। स्टार्ट। स्टार्ट हार्वेस्टर। एक और चीज यहां से सिर्फ वर्ड पैस ही रहने दें, बाकी सारा कुछ कर दे। रिमूव क्लोज स्टार्ट हार्वेस्टिंग। और बेहतर है कि आप प्रॉक्सीज वगैरह लोड कर लें, नहीं तो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो अब प्रॉक्सी नहीं यूज की हुई, इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा। नहीं काफी है, करेंगे स्टॉप। अच्छा जी, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट यूआरएल्स, डुप्लीकेट डोमेन्स। पोस्ट जी, उसके बाद नेक्स्ट वन जो कि एक अजीब सी डोमेन है, इग्नोर माइक्रोसॉफ्ट इग्नोर। बस ये सब डोमेन है, सब डोमेन टाइम वेस्ट है, बंद। उसके बाद उन्होंने कमेंट्स ही डिसेबल कर दिए हैं।
लॉगिन रजिस्टर इग्नोर विकी हाउ इग्नोर मेक यूज ऑफ ये जो बड़ी ब्रांड्स हैं ये अलाउ नहीं करती, तो कोशिश वैसे करते हैं हम कि छोटी कोई वेबसाइट मिल जाए। अच्छा जी, ये फीडली इस तरह वर्क करता है कि हम यहाँ पे साइन अप करके किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल पीसी गेमर हो गया, तो फॉलो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक न्यू क्रिएट किया गेमिंग, तो जो भी इनकी लेटेस्ट पोस्ट होंगी या आर्टिकल पोस्ट होंगे वो फौरन इधर शो हो जाएंगे। तो इस तरह फिर यहाँ से आप ओपन करके कमेंट कर सकते हैं, अप टू डेट रह सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो इसको थोड़ा लेस बोरिंग करने के लिए मैं इसे इसकी स्पीड जो है वो 3-4 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूंगा, जहाँ से काफ़ी स्लो किया हमने। अल्लाह हाफिज़। स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल बिल्कुल मुफ्त, वर्डप्रेस, एसईओ, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें एसईओ मास्टर्स अकेडमी और वहाँ पर अपने क्वेश्चन पोस्ट करें।